मई 1910 बॉम्बे के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म का नाम था द लाइफ ऑफ क्रिस्ट। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति जोर जोर से तालियां बजाने लगा। उस व्यक्ति ने वही ये फैसला किया कि वो भी ईसा मसीह की तरह भारतीय पौराणिक किरदारों पर फिल्म बनाएगा। उस व्यक्ति के इस प्रण ने भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को जन्म दिया। बनाने वाले का नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम आज दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। चलिए इस वीडियो में भारत को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र दिखाने वाले दादा साहेब फाल्के के बारे में जानते हैं, जिनकी वजह से भारतीय सिनेमा में फिल्मों का कारवां शुरू हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो भी आप देख सकें। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दादा साहेब एक हरफन मौला यानी ऑलराउंडर व्यक्तित्व के थे। फिल्में बनाने से पहले उन्होंने पेंटिंग, प्रिंटिंग जैसे कई काम किए। जब द लाइफ ऑफ क्रिस्ट देखी तो उन्होंने सब छोड़ फिल्में बनाने का फैसला लिया। उस जमाने में फिल्में बनाना आसान नहीं था। पैसा, कलाकार, इक्विपमेंट तमाम परेशानियां थी, लेकिन प्रण लेने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दादा साहब ने तमाम परेशानियों के बावजूद ये कारनामा कर दिखाया। फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले पैसों की जरूरत थी। कला नई थी, कलाकार भी नया था, इसलिए कोई भी फिल्मों में पैसा नहीं लगाना चाहता था। लोगों को यकीन नहीं था कि दादा साहब फिल्म बना भी पाएंगे, लेकिन दादा साहब ने प्रोड्यूसर को यकीन दिलाने के लिए पौधों के विकास पर छोटी फिल्म बनाई। तब जाकर दो लोग उन्हें पैसा देने के लिए राजी हुए। पर ये काफी नहीं था। दादा साहब ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, संपत्ति भी गिरवी रखी, कर्ज भी लिया। दादा साहब ने पैसों के लिए जो हो सकता था वह सब किया। 1912 में फिल्म की तकनीक सीखने लंदन गए। वहां से एक कैमरा और फिल्म के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आए। फिल्म को बंबई में शूट करने का निर्णय लिया गया। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के रोल के लिए महिला अभिनेत्री की जरूरत थी। उस समय फिल्मों में काम करना एक सभ्य पेशा नहीं माना जाता था। कोई भी महिला रोल के लिए राजी नहीं हुई। थक हार कर फाल्के रेड लाइट एरिया में गए, पर वहां कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने एक बावर्ची अन्ना सालुके को तारामती के रोल के लिए चुना। उस समय मराठी थिएटर में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। इस फिल्म में भी ऐसा ही हुआ। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का किरदार दत्तात्रेय दामोदर, उनके बेटे रोहित का किरदार दादा साहब फाल्के के बेटे भालचंद्र फाल्के ने निभाया। कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। दादा साहब फाल्के की सफलता में भी उनकी पत्नी सरस्वती का साथ था। फिल्म में वो पर्दे पर भले ही नजर ना आई हो, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने मुख्य किरदार निभाया। फिल्म के निर्माण में लगभग 500 लोग लगे हुए थे। सरस्वती सभी के लिए खाना बनाने, कपड़े धोने, क्रू के सोने और रहने के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन का भी सारा काम संभालती थी। फिल्म निर्माण में सरस्वती के अलावा एक भी महिला सेट पर नहीं होती थी। तमाम कठिनाइयों के बाद आखिरकार करीब 7 महीने बाद फिल्म बनकर तैयार हुई। 3 मई 1913 ये वो दिन था जब भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली फीचर फिल्म को आम दर्शकों के लिए रिलीज किया गया। फिल्म हिट रही। अगले साल ये फिल्म लंदन में भी रिलीज की गई। राजा हरिश्चंद्र पहली फीचर फिल्म होने के साथ साथ पूरी तरह भारतीय फिल्म थी। फिल्म से जुड़े सभी काम भारतीय कलाकारों ने ही किए थे। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा में फिल्मों का कारवां शुरू हो गया। इन दादा साहेब यानी ढूंढीराज गोविंद फाल्के का जन्म करीब 150 साल पहले 30 अप्रैल 1870 को हुआ। उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के संस्कृत के विद्वान थे, मंदिर में पुजारी थे। उन्होंने नासिक से पढ़ाई की। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में नाटक और फोटोग्राफी की ट्रेनिंग ली। उन्होंने जर्मनी से मशीन लाकर प्रिंटिंग प्रेस भी खोली और एक मैगजीन का प्रकाशन भी किया। आज भले ही भारतीय फिल्में लोकप्रियता और बजट के मामले में किसी से कम नहीं हो, शुरुआत में परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। शुरुआती फिल्में मूक होती थी, मतलब उनमें डायलॉग और संगीत नहीं होता था।
इस कमी को दूर करने के लिए लाइव संगीत दिया जाता था। कलाकारों का एक दल पर्दे के नीचे बैठकर सीन के मुताबिक संगीत दिया करता था। लड़ाई और हिंसा के दृश्यों के लिए कई बार शोर मचाकर माहौल बनाते थे। देश की पहली फीचर फिल्म किसे माना जाए, इस बात को लेकर विवाद है। साल 1912 में राम गोपाल तोरणे की फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। तोरणे के परिवार वालों का दावा है कि श्री पुंडलिक पहले रिलीज हुई थी, इसलिए भारत की पहली फीचर फिल्म का दर्जा इसे मिलना चाहिए। अप्रैल 2013 में तोरणे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मुकदमा भी दाखिल किया। जानकारों का कहना है कि श्री पुंडलिक को भारत की पहली फीचर फिल्म का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये फिक्स कैमरा पर शूट हुई थी और इसका प्रोडक्शन का काम भी लंदन में हुआ था। फिल्म के कैमरामैन भी ब्रिटिश थे, जबकि राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से भारत में ही बनी थी। यही वजह है कि राजा हरिश्चंद्र को ही भारत की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। मराठी में हरिश्चंद्राची फैक्ट्री नाम से फिल्म बनी है, जिसमें दादा साहब के पहली फिल्म बनाने के संघर्ष को दिखाया गया है। भारतीय सिनेमा में दादा साहब के ऐतिहासिक योगदान के चलते 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। इस पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहले देविका रानी चौधरी को ये पुरस्कार मिला था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।